दिल्ली में एआई के सीसी की दो दिवसीय तीसरी सालाना सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद ये फैसला लिया है कि 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद होगा जी। हमारे साथ सरदार वीएम सिंह जी हैं। सर, जो ग्रामीण भारत बंद होगा, किस तरह से ये बंदी की जाएगी? जैसे शहरों में जब बंद होता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं, तो ग्रामीण भारत किस तरह से बंद होगा? ये रोष ग्रामीण लोगों का है, जिनके दूध के ऊपर आप खिलवाड़ कर रहे हो। आरसीपी के माध्यम से समझौते करने की बात कर रहे थे आप, हमने रुकवाया, फिर आप बात कर रहे हो। उसके बाद में जो है, आप हमारा क्रॉप इंश्योरेंस है, बीमा है, अभी पूरा का पूरा फसल कहीं सूखे से बर्बाद हो गई, कहीं बाढ़ से बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा दिया। कश्मीर में एप्पल जो है बर्बाद हो गया, उसका मुआवजा दे रहे। गंदे की पत्ती सैकड़ों साल से जलाते आए हम, उस पर जलाने पर रोक लगा दिया आपने, अब FIR कर दिया आपने। पराली और इसकी जो FIR है, तो किसानों में बहुत रोष है, वो अपना रोष ग्रामीण इलाका निकालेगा। अब किस तरह का होगा वो हमने हर ऑर्गेनाइजेशन कह दिया है कि पहले आप तैयारी करोगे, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप अपने क्षेत्रों में यात्राएं निकालोगे, जिलों में यात्राएं निकालोगे, प्रांतों में यात्राएं निकालोगे, उसके बाद लोगों को बताओगे कि क्या है मामला। जब लोग जुड़ेंगे इस मामलों के साथ कि हाँ सही है, ये 8-9 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम विरोध करना चाहते हैं, तो लोग साथ जुड़ेंगे। और उससे पहले 1 तारीख पर नया साल चालू होगा, हम भी सरकार के ऊपर, नए साल के ऊपर सरकार के पास भेजेंगे कि बोलेंगे कि हमारी चिट्ठी है आपके लिए राष्ट्रपति जी, ये चीज़ों से हमें बचाओ, बहुत हो गया। और हम 8 तारीख को इन चीज़ों के खिलाफ जो हमारा विरोध है, इसके खिलाफ 8 तारीख में ग्रामीण बंद, भारत ग्रामीण बंद होगा। तो वो कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आप चिट्ठी राष्ट्रपति जी को लिखने वाले हैं? क्या वो तय हो गई हैं, अभी और होंगी? पहला तो दो मांगे जो हमारी पुरानी है, 1.5 गुना लागत का दाम स्वामीनाथन के तहत, और उस पर सुनिश्चित खरीद। ये नहीं कि रेट तो तय कर दिया हमने MSP और खरीद नहीं हो रही, और MSP के हिसाब से हुआ नहीं आज तक कुछ, नंबर एक। नंबर दो, कर्जा मुक्ति। जिन राज्यों में कर्जा माफ़ किया है, क्या तमाशे हो रहे हैं भाई, किसकी मुक्ति हुई है कर्जे से? किसी को 32 का चेक, किसी को 50 का चेक, किसी 100 का चेक, और कर्जा वहीं का वहीं। और कर्जा हम तुम्हारा इतना माफ़ करेंगे अगर तुम ब्याज दे दोगे, मतलब खिलवाड़ हो रहा है। हमारा बड़ा सीधा है कि देश जाने कि हम देश को खिलाते हैं, देश हमारी इज्जत करे, हम पे दोष ना लगाओ, हम बिना स्वार्थ के हम अपना काम कर रहे हैं, घाटे का सौदा हम निभा रहे हैं, और हमारे ऊपर उंगली मत उठाओ। इसलिए विरोध होगा, इस सरकार के खिलाफ विरोध होगा, और 8 जनवरी 2020 ऐतिहासिक बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 8 जनवरी 2020 को जो सरकार की नीतियां हैं और सरकार की जो अनदेखी है किसानों के प्रति, उसके खिलाफ 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद किया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।